स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर में होली और शब ए बारात को लेकर मंगलवार को बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में प्रशासन और केंद्रीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला उपायुक्त जाधव विजय नारायण राव, एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीणा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एन के लाल, धारबूम एसडीओ संदीप कुमार मीणा के अलावा जिले के सभी डीएसपी, थानेदार, टाटा स्टील प्रबंधन और केंद्रीय शांति समिति के लोग मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से त्योहारों को शांति तरीके से मनाने पर चर्चा की गई। बैठक के अंत में कोरोना काल में मृत लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा गया। उपायुक्त ने बताया कि होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत जिले के सभी चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों से यह अपील की गई है कि लोगों को एक अभिभावक की तरह समझाएं कि त्योहारों को अच्छे से मनाया जाए। 18 मार्च को शहर में ड्राई डे रहेगा, सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि सभी 36 थानों को 13 जोन में बांटकर चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जो भी रैश ड्राइविंग या हुड़दंग करते हुए पकड़ा जाएगा, उसे अपने वाहन न्यायालय से छुड़वाना पड़ेगा। वहीं हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने सभी से त्योहार को हंसी खुशी से मनाने की अपील की है। और हमारा ये डिमांड है, इलेक्ट्रिक और पानी का सप्लाई व्यवस्था ठीक रहे। दूसरी बात ये है, और दुनिया रोड जो है ना, इलेक्ट्रिक का जो अंडरग्राउंड कनेक्शन हुआ उसमें पूरा रोड को खराब कर दिया, उसको भी रिपेयरिंग करने का ध्यान देने का जरूरत है। और हम चाहेंगे होली भी अच्छा से हो और सर्वरात भी अच्छा से, सबका शुभकामनाएं। इतना ही हो गया, अपना बात कहीं पर समाप्त करते हैं। वहाँ थाना स्तर पर मीटिंग हुई, जो समस्या था वहाँ पर भी सारे सम्मानित सदस्यों ने अपनी समस्या प्रकट कराया गया। और हम लोग का क्षेत्र में सब होलिका दहन होता है, ग्रामीण क्षेत्र आता है और बस्ती इलाका है, तो उसमें सर कम से कम होलिका दहन के रात में, क्योंकि हम लोग सामने आपका मैंने मुस्लिम क्षेत्र मस्जिद हो रहा है, तो सर रात का भी, सब रात को 12 बजे निकलेंगे, 12 बजे होलिका दहन का भी समय है। तो सर हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र में थोड़ा सा पुलिस बल का तैनाती रहे सर, कि शांतिपूर्वक से पर्व सम्पन्न हो। और जहाँ तक शराब वगैरह की बात है सर, ड्राई डे में विशेष ध्यान दिया जाए कि सर होली के दिन कोई शराब दुकान न खुले या चोरी छुपके न बिके, पर्व शांतिपूर्वक हो। और हमारे क्षेत्र में सर पानी सरकार के द्वारा सप्लाई किया जाता है, तो एवं ग्रामीण एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ महोदय, डीआरडीए डायरेक्टर और हमारे साथ उपस्थित सभी जिला के वरीय पदाधिकारीगण, पुलिस उपाधीक्षकगण, जिला के सभी थाना प्रभारी वीडियो शिवोगण और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित तमाम सेंट्रल पीस समिट कमेटी की सदस्यगण, काफ़ी सारा चीज़ें बात हुई है, तो मैं संक्षिप्त में 3-4 बिंदु सिर्फ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ें आप मांग रहे हैं, फोर्स रिपोर्टेशन वो ऑलरेडी हो चुका है और इसमें हम लोग 100% समय पे जो जगह पे निर्धारित है उस जगह पर फोर्स तैनात की जाएगी। और होली जैसे बड़े त्यौहार के पहले जो हम लोग प्रिवेंटिव एक्शंस करते हैं, जैसे सीआरपीसी में 107 का हम लोग कार्रवाई करते हैं, वो भी अभी चालू हो चुका है। जो जो पिछले बार होली में प्रॉब्लम किए हैं उन सभी को हम लोग नोटिस भी इशू कर रहे हैं संबंधित थाना प्रभारी द्वारा और एसडीओ महोदय के ऑफिसर द्वारा। और जहाँ तक नशीली पदार्थ का प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से ये कोविड इसमें थोड़ा ज़्यादा ही इन लोगों को मदद कर दिया गया है, क्योंकि आदित्यपुर से, बिहार से, नेपाल से, उड़ीसा से जो जगह से आती थी वो सब कहीं ना कहीं रूप में अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आ। इस होली को मद्देनज़र और बीच में जो हुआ घटना, दो घटना हुआ हम लोगों का चिंता का, उसके मद्देनज़र हम लोग एक महीना का रूपरेखा बनाए। उस आधार पर पिछले 15 दिनों से मॉर्निंग में हम और इवनिंग में सिटी एसपी द्वारा पूरे जगह पे शगर में छापामारी की जा रही है। इसमें काफ़ी अच्छे हम लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है, कांड दर्ज हुई है, बरामदगी हुई है और पब्लिक और आप बहुत लोगों से उसमें काफ़ी सराहनीय हम लोगों को संदेश भी मिल चुका है।
इसको हम लोग और 2 हफ्ता हम लोग बरकरार रखेंगे ताकि जब तक आखिरी आदमी जो बेचने वाला पकड़ा नहीं जाता तब तक हम लोग इसमें लगातार करते रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।